फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 8 एसएस का चैप्टर नंबर 19 द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपका है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट आर द बेसिक ह्यूमन नेसेसिटीज। ह्यूमन की बेसिक नेसेसिटीज क्या होती है? तो फ्रेंड्स न्यूट्रियस फूड चाहिए होता है, क्लोथ चाहिए होता है शेल्टर यानी रहने के लिए, हेल्थ अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, क्लीन वाटर क्लीन एयर और एंटरटेनमेंट यानी थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। ये सब ह्यूमन की नेसेसिटीज है, बेसिक नेसेसिटीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 विच टाइप ऑफ स्टेट हैज इंडिया डिसाइडेड। इंडिया ने कैसा स्टेट बनाने का उन्होंने डिसाइड किया था? तो इंडिया ने एक वेलफेयर स्टेट बनाने का उन्होंने डिसाइड किया था। तो इंडिया हैज डिसाइडेड टू बी अ वेलफेयर स्टेट। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाई डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड टू वर्क हार्ड। क्यों हमारे भारत के गवर्नमेंट को बहुत हार्ड काम करने की जरूरत पड़ रही है एंड टेक लॉन्ग टर्म स्टेप आफ्टर इंडिपेंडेंस और आज़ादी के बाद भी उनको बहुत ही लंबे लंबे कदम लेने पड़ रहे हैं। आंसर आप लोग का बिफोर एंड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंट के पहले इंडियन सोसाइटी वॉज लिविंग इन वेरी पुअर कंडीशन। इंडियन की जो सोसाइटी यानी हमारे भारत के जो लोग हैं वो बहुत ही पुअर कंडीशन में थे, बहुत ही गरीबी में थे। इकोनॉमिक और सोशली उनका जो इकोनॉमिकली और सोशली जो कंडीशन है वो बहुत ही पुअर थी। और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सच सोसाइटी और ऐसी सोसाइटी को डेवलपमेंट करवाने के लिए गवर्नमेंट को हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ रही थी और उनको लंबे लंबे कदम लेने पड़ रहे थे इंडिपेंडेंस यानी हमारा भारत आज़ाद होने के बाद भी। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाई डिड इट बिकम इसेंशियल फॉर गवर्नमेंट टू सर्च फॉर न्यू फील्ड। क्यों जरूरत पड़ रही थी गवर्नमेंट को नए नए फील्ड तैयार करने के लिए, नए नए फील्ड की सर्च करने के लिए एम्प्लॉयमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद? तो देखो द फाइनेंशियल अरेंजमेंट फॉर फुलफिलिंग द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ सिटीजन। कि फाइनेंशियल अरेंजमेंट वो लोग कर रहे थे जिससे सिटीजन यानी कि जो नागरिक हैं उनके जो बेसिक नीड्स है फूड क्लोथ एंड शेल्टर, ये तीन जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज है वो कम से कम पूरी कर सकें और दैट नॉट पॉसिबल विदाउट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू दिस सिटीजन। और ये पॉसिबल नहीं हो सकता था जब तक हर एक सिटीजन को उनका एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर दिया जाए। तो देयरफॉर टू बिकम इट बिकम एसेंशियल फॉर द गवर्नमेंट टू सर्च फॉर न्यू फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही थी जिससे वो बेसिक मतलब सबके लिए एम्प्लॉयमेंट नए नए फील्ड का सर्च कर रही थी जिससे आज़ादी के बाद सब लोग को उनका एम्प्लॉयमेंट मिल सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का आता है क्वेश्चन है आप लोग का व्हाट वॉज द रिजल्ट ऑफ द स्टेप्स टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन द 5-year प्लान। तो देखो क्या रिजल्ट हुआ जब उन्होंने जब स्टेप्स लिए फॉर द डेवलपमेंट एग्रीकल्चर फील्ड को डेवलप करने के लिए जो उन्होंने 5-year प्लान्स में बनाया था। तो आंसर है इंडिया बिकम अ सेल्फ रिलियंट इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन। इंडिया जो है वो फूड प्रोडक्शन खुद से करती थी ड्यू टू द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, उन्होंने गवर्नमेंट ने 5 years का प्लान बनाया था जिससे वो लोग एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट कर सके और देयर वॉज अ ग्रीन रिवॉल्यूशन। और इसके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था जिससे एग्रीकल्चर का जो फील्ड है वो हमारे कंट्री में बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट कंट्रीब्यूशन हैव कोऑपरेटिव एक्टिविटी मेड इन एग्रीकल्चरल फील्ड। आंसर है कोऑपरेटिव एक्टिविटी इन अ एग्रीकल्चरल फील्ड हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन इम्प्रूविंग द लेवल ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस। इससे इसमें जो हो रहा था कोऑपरेटिव एक्टिविटीज जो किए जा रहे थे एग्रीकल्चर फील्ड में वो इम्प्रूव कर रहे थे जो एग्रीकल्चर के लेवल को यानी एग्रीकल्चर बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 7 वेयर डू इंडस्ट्रीज मोस्टली टेंड टू डेवलप। आंसर है आप लोग का इंडस्ट्रीज मोस्टली टेंड टू डेवलप प्लेसेस वेयर फैसिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि इंडस्ट्री यानी जो कारखाने हैं वो वहीं पे ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो, रॉ मटेरियल मिले और हैंडलिंग इक्विपमेंट वहाँ पे अवेलेबल हो। ये सारी चीज़ें वहाँ पे अगर अवेलेबल होगी तो ही वहाँ पे इंडस्ट्रीज मोस्टली डेवलप कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है आप लोग का व्हाट इफर्ट हैज द गवर्नमेंट मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। आंसर है द गवर्नमेंट हैज सिचुएटेड स्पेशल इंडस्ट्रियल ओजोन इन सम एरियाज।
गवर्नमेंट ने कुछ जगहों पे स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स को डेवलप किया था कुछ एरिया पे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, जिससे कारखाने जो है वो डेवलप हो सके। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज, और गवर्नमेंट ने वो सारी ज़रूरतें उनको प्रोवाइड की थी। रीजनेबल रेट टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री इन दिस एरियाज, जिससे वो लोग इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं उस एरिया में। दिस स्टार्टअप्स ऑल्सो गेट एक्सेम्प्शन फ्रॉम डिफरेंट टैक्सेस फॉर सर्टेन ड्यूरेशन। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन आता है, व्हाट हैज बीन द रिजल्ट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल स्कीम्स। आंसर इसमें आप लोग का, एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल स्कीम्स इंडस्ट्रियल डेवलप ऑफ आवर कंट्री हैज इंक्रीज, इससे हमारी कंट्री की जो इंडस्ट्रियल डेवलप है वो इंक्रीज और बढ़ेगी और तेजी से। विच हैज लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू दिस ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज इवेल इलिवेशन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लॉन्चिंग ऑफ द पीपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आता है, Who have made notable effort to spread education? Answer है, the government as well as public education institution in villages and cities have made notable effort to spread education, which is a pillar for the success of democracy. Question number 11. To which incidents does lack of health care lead? Answer है, lack of health care lead to incident of death of children and pregnant women. Question number 12. What was the condition of socially backward and disadvantaged classes in the social system of India? Answer है हमारा, in the social system of India, even fundamental human rights were not given to the society backward and development classes, disadvantaged classes. ये disadvantaged है और नीचे classes. Question number 13. In which disaster does the government get cooperative of the people? How does the government get cooperative of the people in natural disasters like flood and earthquake? The way to do people of society manage water, snakes and meals for the themselves, thousands of affected people. Question number 14. Why does the government generate income by imposing various taxes? Answer है, the government has to spend a lot of money to uplift the living standards of all the citizens of the country and they provide them with basic necessities. The government generates income by imposing various taxes for collecting money for extreme expenditure on these public welfare schemes. Question number 15. Which basic necessities does the government provide to the family with lower income? The answer is, the government provide basic necessities like food, grain, edible oil, sugar, rice to the families with lower income under the public distribution system through fair price shops at subsidized rates which are less than the production cost. Question number 16. From which income does the government carry out public welfare work? Answer है, the government carry out public welfare work through earned money from the income generated by levying various taxes on the people and industrial organization as well as by imposing higher taxes on certain fields. Question number 6 आता है, answer the following question in briefly. Question number 1. What are the benefits resulted from the white revolution in our country? Answer है, the white revolution in our country has benefited the farmers working in the field of animal husbandry and milk production. Due to the white revolution, farmers doing animal husbandry have become self-reliant and self-sufficient. Their economic condition has improved considerably. In addition, village cooperatives collect milk and deliver it to the large cooperative dairies of the district. These dairies send milk to the citizens to fulfill citizens' need of milk. For example, Amul Dairy
ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आता है, विच बेनिफिट डू वी गेट बाय स्टार्टिंग एन इंडस्ट्री इन स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन। आंसर है इसमें, स्टार्टिंग एन इंडस्ट्री इन स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन गिव्स द फॉलोइंग बेनिफिट टू द इंडस्ट्री स्टार्टअप्स। 1 नंबर, लैंड प्लॉट फॉर आर गिवन, लैंड प्लॉट इंडस्ट्री इज गिवन एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। 2 नंबर, सब साइट्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। 3 नंबर, फैसिलिटीज लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर द इंडस्ट्री आर प्रोवाइडेड एन रीजनेबल रेट्स। क्वेश्चन नंबर 4, फैसिलिटीज लाइक रोड, फिर यहाँ पे 2 नंबर में उनका जो फैसिलिटीज मिलते हैं वो सेड सिस्टम एंड प्रोवाइड इन दी जोन। क्वेश्चन नंबर 5, लो इंटरेस्ट लोन्स आर गिवन फ्रॉम बैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सपेंशन फ्रॉम डिफरेंट टैक्सेस इज ऑल्सो गिवन फॉर सर्टेन ड्यूरेशन। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें ये आपका लास्ट है, डिटेल आता है इसमें, डिटेल का क्वेश्चन नंबर 1, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस डज पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बिकम मीनिंगलेस। आंसर है, द इंडियन पीपल रिमेन्ड पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट फॉर द लॉन्ग टाइम बिफोर इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश एंड दोज हु रूल्ड इंडिया बिफोर द हैड मेड एफर्ट्स टू कंस्ट्रक्ट द मेंटेलिटी ऑफ इंडियंस। एज अ रिजल्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो इंडियन सोसाइटी वॉज इन द ग्रिप ऑफ इल ट्रेडिशनल। The level of the education in the country was negligible. A large class of society was living under the poor tingly. The whole country was living in extremely difficult economic and social condition. Under such circumstances, achieving economic and social development of society was the priority of the Indian government, because without achieving economic and social development of the society, political independence become meaningless. Question number 2 aata hai, what are the sources of income of the government, write about any 2 sources. Answer hai, the main sources of income of the government are GST, income tax, export tax, importance, consumers tax, excise, government tax on certain goods made and marketed in the country, VAT, valuable added tax, etc. First number, income tax. The government collect tax on the income of salaried person. In addition, the government collected taxes on the profits of business firms and companies and on the income of their scholarships. The government also leaves a tax on profits from the sale of shares. Second number में आता है GST, उसका full form होता है goods and service tax. The government collect GST from traders on the purchase of goods and their sales service in the business of the country. This is a major source of income of the country. तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 19 पूरा होता है। अगर आप लोग को मेरी पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत।